कटिहार के बुढ़िया टिकार गांव में भीषण आग लगने से दर्जनों घर जलकर राख हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक घर में चूल्हे से आग फैल गई और देखते ही देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आनन-फानन में दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कई आशियाने जल चुके थे। और आपको एक बार फिर से बता दें, ये पूरा मामला कटिहार का है, जहां पर भीषण आग लगने से दर्जनों घर जलकर राख हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक घर में चूल्हे से आग फैल गई थी और आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते इलाके के कई घरों को उसने अपने चपेट में ले लिया और कई आशियाने जलकर राख हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमन, आग लगने से इतनी बड़ी तबाही हुई है वहां पर, क्या कुछ सामने और निकल कर आया है सुमन? जी देखिए, कटिहार जिले का जो है मनिहारी प्रखंड है, जहाँ के धुरियाई गांव में जो आज भीषण आग लगी है। आग लगने में जो है दर्जनों घर से अधिक घर जलकर राख हो गया, जहाँ पछुआ हवा को लेकर यह आग लगी है। और स्थानीय लोगों की मदद से जो है कि किसी तरह आग पर काबू किया गया। हालांकि दमकल की गाड़ी लेट पहुंची, जिसके कारण अगर सौ समय पहुंचती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वही पीड़ित परिवार जो है स्थानीय लोगों के द्वारा जो आग पर काबू पाया गया। लेकिन सुमन, मौके की स्थिति अब क्या बताई जा रही, क्योंकि आग लगने से इतनी बड़ी तबाही हुई है, जहां कर तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं इतनी भीषण आग लगी है, करीबन दर्जनों घर जो है वो जलकर राख हो गए। अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बताई जा रही है सुमन? जी, आग लगने को लेकर काफी अफरा तफरी के बाद जो है रोने चीखने की दर्दनाक तस्वीरें भी आई है, दिल दहला देने वाली। और इस मामले को लेकर जो जिला प्रशासन से लेकर जो है प्रखंड लेवल के जो अधिकारी है मौके पर पहुंचकर और सभी पीड़ितों को मदद के लिए आ गया है कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है, जहाँ की जो घटना को लेकर जो है जो पीड़ित परिवारों का सामान जला है, कपड़ा जला है और पैसे जलने की बात भी सामने आई है, तो कुल हालांकि लाखों का नुकसान जो है इस गरीब परिवार का हुआ है इस आग लगने से। तो वहाँ पे स्थानीय जो अंचलाधिकारी है मौके पर पहुंचकर सबका सर्वे किया जा रहा है और जल्द जो है जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका सुमन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दिए पूरा मामला कटिहार का है, जहां पर आग लगने से करीबन दर्जनों घर जो है जलकर राख हो गए। और एक तरफ जहां सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ताल ठोककर बिहार में शराबबंदी की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही सरकारी मुलाजिम इन दावों को फिसड्डी साबित करने में लगे हैं। ताजा मामला लखीसराय का है, जहां तस्वीरों में दिख रहे ये डॉक्टर साहब शराब के नशे में धुत हैं। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस नशे में धुत डॉक्टर को गिरफ्तार कर जांच के लिए सदर अस्पताल ले आई। आरोपी डॉक्टर ब्रिजमोहन प्रतापपुर के स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विश्वनाथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ, क्या कुछ कार्रवाई अब की गई है इन आरोपी डॉक्टर पे जिन्हें नशे की हालत में पकड़ा गया है? मैं बता दूं कि ये लखीसराय जिले के हल्की थाना क्षेत्र के ये चिकित्सक थे और इन्हें जो है शराब के नशे में धुत कैंडी के समीप सड़क के समीप जो है लेते हुए थे, जिसके बाद लोगों के द्वारा सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस आकर इसे गिरफ्तार कर लखीसराय सदर अस्पताल ले गई, जहां पर इन्हें जांच किया गया है, जिसमें जांच में शराब पिए हुए पाया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया चालू कर दी गई। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें ये पूरा मामला लखीसराय का बताया जा रहा है, जहां पर नशे की हालत में डॉक्टर को पाया गया है और पुलिस पूरे मामले की अभी जो है कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय पुलिस ने जिले के चर्चित मुख्य हत्याकांड के एक अभियुक्त जगदीश महतो उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते वर्ष फरवरी में समसा पंचायत की मुखिया हेमा मौर्य की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक देसी राइफल, एक देसी पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस मिला है। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या के कई मामले दर्ज है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ बेगूसराय से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ अब तक कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई है इसमें? जितेंद्र जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला
नाकोटी से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष हेमा मौर्या की दिन दहाड़े हत्या, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही पुलिस के द्वारा लगातार इस आरोपी की तलाश थी। बीती रात जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि छोटे महतो जो है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हथियार के साथ, इसी दबिश पर जब चारों ओर पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई तो ये सफलता मिली। उसके पास से, अपराधी के पास से एक देसी राइफल, एक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। जी मैं आपको बता दूं कि इस हत्या के मामले में वर्षों से फरार चल रहा था और कई थाने में हत्या सहित लूट दर्जनों इस पे मामला दर्ज है। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सिसौनी पंचायत में नल जल योजना अनियमितता की भेंट चढ़ गई है। इस वजह से यहां के लोग काफी आक्रोशित हैं। योजना में भ्रष्टाचार के कारण यहां के निवासियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ा है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा भी बना रहता है और इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है नल जल योजना, सीएम का ये बहुत बड़ा जो है एक योजना उनमें से भी आता है, साथ में योजना के तहत आता है, और यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई, क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पे की गई है? कार्रवाई अभी हरलाखी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जांच का विषय बताया और संबद्ध जांच करवाने की बात कही गई है। जी तो कुछ क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पर, और जो विभागीय पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है, क्या कुछ सामने निकल कर आया है इस पे? नवीन देखिए, ये विभागीय वरीय पदाधिकारी के द्वारा ही ये हेराफेरी का काम किया जा रहा है, ऐसा वहां स्थानीय लोग का बताना है। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और मधुबनी जिले में ही वेरवा गांव लोगों के बीच आस्था का सैलाब उस वक्त उमड़ पड़ा जब खेत में मिट्टी खुदाई के दौरान लगभग 5 फीट के अष्टधातु की भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली। खबर फैलते ही मूर्ति के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि मूर्ति को जल्द ही भव्य मंदिर बनाकर स्थापित किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवीन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नवीन, अष्ट धातु जो मूर्ति है 5 फीट की जमीन से निकली है खुदाई के दौरान, क्या कुछ अभी वहां पर जो मौके पर क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है इस पर? हाँ देखिए, ये आपको कल जो अब वहां के पूर्व मुखिया के लतीफ रायन के खेत में जो मजदूर के द्वारा मिट्टी काटने का काम किया जा रहा था, उस समय मजदूर को कुराली में टकराया, पत्थर पत्थर समझ के छोड़ दिया। फिर ग्रामीणों के द्वारा कहा गया, फिर मजदूर और ग्रामीणों के मदद से उस 5 फीट की धातु की मूर्ति को निकाला गया और ग्रामीणों के सहयोग से गांव के ही एक ब्रह्मस्थान मंदिर प्रांगण में उसको रखा गया। जिस समय ये खबर फैलते ही इलाके के हजारों हजार संख्या में लोग पहुंचकर वहां पूजा अर्चना करने में जुट गए और ग्रामीणों का कहना है कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम ग्रामीण मिलकर इस भगवान विष्णु की मंदिर को बनाए भव्य मंदिर बनाएंगे। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से बता दें, ये पूरा जो मामला है वो मधुबनी का है जहां पर खेत में खुदाई के दौरान 5 फीट की अष्ट धातु की भगवान विष्णु की मूर्ति जमीन से पाई गई है, जिसे अब मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं मौके पर किस तरीके से श्रद्धालु जो है भगवान विष्णु के मूर्ति के दर्शन के लिए उमड़े हैं। और अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।